रास्ते में ड्यूटी से घर लौट रहा था, तो मुझे रास्ते में कुछ मजदूर भाई दिखे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा संख्या में, तो 30 से 35 लोग थे, उसमें बहुत सारे छोटे बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, तो मैंने उनसे पूछा रुक कर के आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो उनने बताया कि हम घाटा बिल्लोद से निकले और सागर की ओर हम लोग जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कितने बजे निकले, तो बोले सुबह 4 बजे हम निकले थे, और भोजन के बारे में उनसे जानकारी ली कि आप लोग क्या खाकर आए, तो उनने बताया कि हमारे साथियों में से एक अन्य व्यक्ति आगे चल रहा है, उसके पास 300-350 रुपये हैं, और कहीं भी खाने की कुछ व्यवस्था मिलती तो हम इस 300-350 रुपये में सब खा लेंगे। मैंने कहा आप लोग 25 से 30 लोग हो तो आप कैसे खाना खा पाओगे इतने पैसे में, तो बोल रहे कि सर जो भी होगा हम लोग कर लेंगे। फिर मेरे पास करीबन, मैं उस टाइम पे मेरे पास 800 रुपये या 1-2 हज़ार रुपये रखे थे, तो मैंने उस 800 रुपये में से और कुछ पैसे ATM से निकाल कर उन सारे मजदूर भाइयों को वितरित कर दिए थे।